और अब आपको बताएंगे कोरबा में दृश्यम 3 के बारे में। तो बता दें कि कोरबा में अब तक नहीं मिला है लापता एंकर का कंकाल। 36 घंटे हो चुके हैं, खुदाई चल रही है लेकिन अभी भी सुराग नहीं मिला है। कंकाल की तलाश की जा रही है और अब वैज्ञानिकों की मदद यहां पे ली जा रही है कंकाल को तलाशने के लिए। सैटेलाइट के जरिए 5 साल पहले की फोटो भी ली जा रही है। रेडिएशन डिटेक्टर मशीन भी यहां पे मंगाई गई है। बता दें 5 साल पहले न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना लापता हो गई थी और हत्या के इनपुट के बाद पुलिस ने जांच बढ़ा दी है। तो 36 घंटे बीत चुके हैं, खुदाई का जो काम है वो लगातार चल रहा है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, अभी और क्या अपडेट? अब वैज्ञानिकों की मदद भी ली जाएगी इसमें। सड़क किनारे जो मिट्टी थी उसको निकाल दिया गया था और उसके बाद में जो वहाँ पे मानव कंकाल नहीं मिला है, जिसके बाद में जो कोरबा पुलिस ने उसने वैज्ञानिकों की मदद दी है। वैज्ञानिकों मदद लेने के बाद में यहाँ पे जो सैटेलाइट के इमेज वहाँ मंगाए गए हैं और सैटेलाइट इमेज मंगाने के बाद में एग्जैक्ट लोकेशन की तलाश की जा रही है। साथ में रेडिएशन डिटेक्टर मशीन की वजह से जो कंकाल होता है उसे रेडिएशन लगातार निकलते रहता है और डिटेक्टर मशीन है वो उसने काफी मायने में उसको डिटेक्ट कर दिया है, जिसके बाद में ये आशंका जताई जा रही है कि जो कंकाल है वो सड़क के नीचे दबा हुआ है, क्योंकि सड़क ऑलमोस्ट बन चुकी है और वो सड़क में परिवहन चालू है जिसकी खुदाई करने के लिए अब इनको अनुमति की जरूरत पड़ेगी। तो जो आज सुबह जो राजस्व विभाग और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने मौका निरीक्षण किया है, साथ में पुलिस ने इनपुट भी उनको उपलब्ध कराया है। अनुमति मिलने के बाद में सड़क की खुदाई काम प्रारंभ किया जाएगा, जिसके बाद में कंकाल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कंकाल मिलने के बाद ही पूरे मामले में जो गुमशुदगी का मामला है उसमें हत्या का मामला दर्ज करके जो आरोपी है उनकी पतासाजी की जाएगी। धीरज, अभी कितनी खुदाई हो चुकी है? क्योंकि 36 घंटे हो गए हैं लगातार खुदाई चल रही है लेकिन अभी भी कंकाल नहीं मिल पाया है। खुदाई को भी बंद करा दिया गया है, खुदाई जो हो चुकी है अभी करीब 20 फीट के आसपास खुदाई की जा चुकी है लेकिन जो आसपास के इलाके हैं वहाँ पे भी उनको कंकाल नहीं मिला है। जो पुलिस ने इसके बाद में जो रेडिएशन डिटेक्टर मशीन मंगाया, रेडिएशन डिटेक्टर मशीन मंगाने के बाद में काफी इनपुट मिले हैं कि जो सड़क के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे कंकाल मिलने की संभावना है, क्योंकि लगातार वहाँ से रेडिएशन मशीन को डिटेक्ट हो रहा है, जिसके बाद में पुलिस ने जो है इसरो की मदद से सैटेलाइट इमेज मंगाया है और सैटेलाइट इमेज मंगाने के बाद में जो 5 साल पहले की तस्वीरें हैं वो पुलिस के पास पहुंच जाएगी, जिसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सकेगा और जो पुलिस के पास इनपुट है वो पुख्ता हो जाएंगे, जिसके बाद सड़क से खुदाई प्रारंभ की जाए तो संभावना जताई जा रही है कि वहां मानव कंकाल मिल सकता है। चलिए, नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।